फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स पे, और आज दोनों केसेस देखेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। तो हमारी कंपनी है एक्स लिमिटेड, 20,000 शेयर्स हम इश्यू करने जा रहे हैं, और एक शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू है 10 रुपीज। उस 20,000 शेयर्स में से 10,000 शेयर हम एक बंदे के इशू करेंगे, उस बंदे से हमने एसेट खरीदी थी। इट मींस इशू ऑफ 10,000 शेयर्स टू वेंडर फॉर एसेट। एक वेंडर था वाई लिमिटेड मान लेते हैं, उससे हमने कोई एसेट खरीदी होगी, उसको 10,000 शेयर इशू करेंगे। 10,000 शेयर 10 रुपए वाले, मतलब शायद एसेट की वैल्यू रही होगी 1 लाख फिलहाल। मतलब 10,000 शेयर्स हम एक बंदे को देंगे, क्योंकि हमने उससे उधार खरीद रखा था, ही वॉज आवर क्रेडिटर। और 10,000 शेयर्स हम पब्लिक को इशू करेंगे। जो पब्लिक को इशू करेंगे 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर पे 10 रुपीज, वो हम 3 पार्ट में मांगेंगे। पब्लिक से जो 10 रुपए है वो हमें 3 पार्ट में मांगेंगे। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन मनी, दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट मनी, और उसके बाद कॉल मनी। तो 3 पार्ट है, 4 रुपीज एप्लीकेशन पे, 5 रुपीज अलॉटमेंट पे, 1 रुपी फाइनल कॉल पे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज का प्रोसीजर क्या होगा। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, पहली एंट्री क्या होगी, तो आप अपने मन में एक इमेजिनरी एंट्री फॉर्म करनी है, फिर यहां लेकर आना है कि पहले तो एसेट खरीदी होगी ना, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, या जो भी नाम होगा एसेट का, अगर सवाल में गिवन है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड या टू वेंडर कंपनी 1 लाख रुपीज। 1 लाख कैसे आ गया, कॉमन सेंस लगाना है। 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, तो डेफिनेटली जो भी एसेट खरीदी होगी उसकी वर्थ कितनी रही होगी, 1 लाख। तो सन्ड्री एसेट डेबिट टू वाई लिमिटेड, फिर वाई लिमिटेड को जितने से क्रेडिटर बनाया है उतने से डेबिट कर देंगे, और अगर हम इनको पैसे देते तो क्या लिखते हैं, टू बैंक। लेकिन हम इनको क्या इशू कर रहे हैं, शेयर्स। तो जब भी शेयर इशू करेंगे तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे एज अ लाइबिलिटी। तो ये पहला पेयर ऑफ एंट्री हो गया, इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। हम पैसे लेने के लिए शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, हम वाई की क्रेडिटरशिप सेटल करने के लिए शेयर इशू कर रहे हैं, हम वेंडर की क्रेडिटरशिप सेटल करने के लिए शेयर इशू कर रहे हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को जितने से क्रेडिटर बनाया उतने पूरे से क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और अगर इनको पैसे देते तो क्या लिखते, टू बैंक। लेकिन इनको पैसे नहीं दे रहे, शेयर्स दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल। गॉट इट? तो पहली एंट्री होगी सन्ड्री एसेट परचेस्ड एंड शेयर्स इशूड इन द सेटलमेंट, बीइंग एसेट परचेस्ड, बीइंग 10,000 शेयर्स इशूड इन द सेटलमेंट। एंट्री क्या बनी, सन्ड्री एसेट डेबिट टू वेंडर। अगली एंट्री क्या बनी, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इस वाले फेज पे आ जाते हैं। तो यहां पर हर एक केस में दो दो एंट्री होती हैं, एप्लीकेशन के समय भी 2 एंट्री, अलॉटमेंट पे भी 2 एंट्री, फाइनल कॉल पे भी 2 एंट्री। तो ध्यान रखना है यहां पर हर केस में एंट्री होगी पेयर में होगी, इसका मतलब है फर्दर वी रिक्वायर 6 एंट्री, 6 एंट्री और होने वाली है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी देखते हैं, हमने पेपर में ऐड दिया होगा, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उन्होंने हमारे पास 4 रुपीज भेज दिया होगा। तो सबसे पहली बार जो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर पे 4 रुपीज के रेट से, 10,000 शेयर पे 4 रुपीज के रेट से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहाँ नरेशन क्या होती, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये पैसे आ गए हमारे पास, फिर शेयर एप्लीकेशन एक टेम्परेरी अकाउंट है, टेम्परेरी लाइबिलिटी है, जितने से क्रेडिट है उतने से क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और सारी वेरिफिकेशन करने के बाद इस पैसे को हम अपनी पक्की लाइबिलिटी मान लेंगे। प्योर लाइबिलिटी का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 एंट्री हो गई। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते हुए क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कहां कर देते हैं, शेयर कैपिटल में। तो अगली एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। किस बात की एंट्री हो रही है, बहुत आसान, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का कहानी बिल्कुल अलग है और आसान तो है ही है। आगे से हमें, अब हम बीइंग कंपनी शेयर होल्डर को रिमाइंडर देंगे कि हे शेयर होल्डर, अलॉटमेंट का पैसा दे जाओ, और फिर कुछ दिनों बाद उससे पैसा मिलेगा। फिर अगले महीने बोलेंगे, हे शेयर होल्डर, फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा दे जाओ, फिर वो पैसा देगा। तो इसका मतलब पहले, अब आगे क्या होगा, हम पहले अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, ड्यू करेंगे, और फिर कुछ दिनों बाद रिसीव होगा। इन द सेम वे फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे या ड्यू करेंगे, फिर रिसीव होगा। तो अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं, तो जिस भी इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगेंगे हम फ्यूचर में उसको डेबिट कर देंगे। तो अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 × 5, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और जो ये पैसा आने वाला है वो पैसा हमारे लिए लाइबिलिटी होगा, उसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, शेयर कैपिटल नाम से। तो अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट को एक टेम्परेरी डेटर बना दिया, और कैपिटल को एज अ लाइबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म पे कैपिटल को एक लाइबिलिटी की तरह क्रिएट कर लिया। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, उसको बोलते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू,
एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 10-15 दिन बाद पब्लिक हमारे अकाउंट में पैसा भेज देगी, कंपनी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर अलॉटमेंट को टेम्परेरी रिटर्न बनाया था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज कर दें, तो ये दूसरा पेयर भी कंप्लीट हो गया। अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और पैसा जब मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बिल्कुल यही प्रोसीजर होगा आगे फाइनल कॉल पे। अब फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे तो जिस भी इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगना है उसको डेबिट करके डेटर बना दोगे। तो फाइनल कॉल का पैसा मांगोगे तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 × 1, शेयर फाइनल कॉल को टेम्परेरी डेटर बना दिया, और जो पैसा मिलने वाला है वो कंपनी की लाइबिलिटी है तो कैपिटल नाम से क्रेडिट हो जाएगा, बींग फाइनल कॉल ड्यू। तो फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फाइनल कॉल को डेटर बना दिया और कैपिटल को एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट करा, और फिर कुछ दिनों बाद पैसा मिल जाएगा। तो जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और फाइनल कॉल को डेटर बना रखा था टेम्परेरी, इसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो एक बार अलॉटमेंट और फाइनल कॉल की एंट्री फिर से देख लेते हैं। अलॉटमेंट के पैसा मांगेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, शॉर्ट में बात करें मतलब आप शेयर वर्ड हमेशा लगाएंगे, शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के पैसा मांगेंगे तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। ऐसे फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे तो फाइनल कॉल को डेटर बना देंगे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। अलॉटमेंट से पैसा मांग रहे हैं, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट को टेम्परेरी डेटर बना देंगे, अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रहा है एज ए लाइबिलिटी। तो अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल, जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड अलॉटमेंट इज नो लॉन्गर आर डेटर, तो अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज कर दे। ऐसी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल को टेम्परेरी डेटर बना दिया, पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड फर्स्ट कॉल इज नो लॉन्गर आर डेटर, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो ये सारी एंट्रीज आप देख लेंगे, और ये सारे जितने टॉपिक हैं कम से कम 20-20 बार बोर्ड से पहले हम लोग क्लासरूम में वीडियोस में, और अभी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद मल्टीपल टाइम बोर्ड्स पे करेंगे, सब दिमाग में पक्के हो जाएंगे। लेकिन इन द मीनवाइल जितना टॉपिक हो रहा है इसको एक बार आप कॉपी में जरूर करते रहेंगे।